कभी कभी जीवन में कुछ यात्राएं हमें उन रास्ते पर ले जाती हैं जहां हमारा सच्चा संबंध जुड़ जाता है। कोमल एक युवा और महत्वाकांक्षी पायलट जिन्होंने अनजाने में अपने भक्ति के पद का चयन किया। किसमें जॉब करते हैं फिर यहाँ पे क्या छुट्टी वगैरह लेके आप जो 9 दिन तक रुके हैं? मैं अभी ट्रेनी पायलट हूँ, हमारी ट्रेनिंग चल रही है। पहले मैं एयर होस्टेस थी एंड ये सब चीज़ें आई थिंक उसके बाद स्पिरिचुअलिटी जो है आई थिंक आप जिस भी प्रोफेशन में हो लेकिन ये मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे योगी जी आए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, ठीक है। तो ये भूमि बहुत ही मतलब बोले प्राचीन काल से जुड़ी हुई है, तो इतनी सिद्ध पीठ है, तो आई थिंक यहाँ पे सबको आना चाहिए। कोमल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद अपने होटल लौट रही थी जब उन्होंने गलती से नलखेड़ा का नाम ले लिया। इस छोटी सी गलती ने उन्हें नलखेड़ा की ओर मोड़ दिया जहां मां बगुला मुखी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। जय माता दी, मेरा नाम कोमल है, मैं कोलकाता से आई हूं और थोड़ा सा ये आप मतलब कहाँ से और कैसे यहाँ तक नलखेड़ा पहुँचे? मैं यहाँ कलकत्ता से मतलब उज्जैन आई थी महाकाल के दर्शन के लिए एंड फिर उज्जैन से हमारा होटल नानाखेड़ा में उपस्थित एंड हमने ऑटो वाले से बोला गलती से कि हमें नलखेड़ा जाना है एंड वो नानाखेड़ा नलखेड़ा का जो कन्फ्यूजन था तो ऑटो वाले ने बोला नलखेड़ा तो वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और वो बगलामुखी माता का स्थान है। तो मैंने तुरंत गूगल में सर्च किया एंड उस समय मैं जब महाभारत देखती थी तो इस भूमि का प्राचीन काल से ये वर्णन आया था कि भगवान श्री कृष्ण ने मतलब पांडवों को अज्ञातवास के लिए जो एक्स्ट्रा बढ़ गया था जो 13वां साल था तो वो यहाँ आके लक्ष्मणा नदी के बगल में माता बगलामुखी की साधना किए थे। तो बस मैंने ये देखा और मैंने मम्मी को बोला कि पहले यहाँ पे आना है और जो चैत्र नवरात्रि का जो ये योग बन रहा है तो मुझे लगा कि माता हमें स्वयं बुला रही है, तो ये नानाखेड़ा और नानखेड़ा का कन्फ्यूजन में हम यहाँ पे आ गए। इस यात्रा ने कोमल के दिल में एक नई आध्यात्मिक जागृति ला दी। नवरात्र के दौरान उन्होंने मंदिर में अपने समय को भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, यहाँ पे माता की शक्ति है एंड वो खुद आके ये अनुभव कर सकते हैं। तो आप ट्रेनी पायलट हैं तो यहाँ जैसे अचानक से आपका आना हो गया, 8-9 दिन रुके हैं, तो क्या फिर आपने ब्रेक लिया कैसे क्या? तो मैं जो ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग से मैंने जो ब्रेक लिया था तो मैंने महाकाल के लिए पहले ही ब्रेक लिया था एंड चैत्र नवरात्रि में हर साल करती हूँ तो ये ब्रेक ऑलमोस्ट इसके साथ ही चल रहा है। तो जैसे कि परसों मेरी फ्लाइट है तो मैं वापस कलकत्ता की ओर जा रही हूँ। तो कैसा माई के दर्शन करके कैसा अनुभव लगा अचानक से आप यहाँ पहुँचे और आपने दर्शन किया? तो माई का दर्शन आई थिंक ये तो दिव्य है, वो दिव्यता की अनुभूति एक भक्त को ही हो सकती है कि मतलब जो आप एंड मैं क्या बोलूँ, मैं धाम पे हूँ, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी। यहाँ पे आने से पहले मैंने माता रानी के सपने में देखा था, मुझे लगा था कि शायद क्या पता नहीं, और हो ना हो महाकाल ने पिताजी ने माता जी के पास भेज दिया तो हम माई के यहाँ पे दरबार पे आ गया। और मेरी ये सौभाग्यता है कि मैं चैत्र नवरात्रि इस बार मैं माता के स्थल पर कर रही हूँ, सिद्धपीठ में जहाँ युधिष्ठिर और 5 पांडव यहाँ पे तपस्या करके फिर उन्होंने महाभारत की युद्ध लड़के वो विजय प्राप्त। घंटों तक माता की पूजा में लीन कोमल ने न केवल ध्यान लगाया बल्कि मंदिर परिसर में चल रहे भंडारों में भोजन परोसने में भी सहायता की। उनका कहना है कि मां के दर्शन के बाद उन्हें जो शांति और संतोष मिला वो अवर्णनीय है। यहाँ पे 9 दिनों में जो हमारी चंडी पाठ होती है, यहाँ के जो भी ब्राह्मण देवता हैं उन्होंने हमारा पूर्ण सहयोग किया। यहाँ पे सभी देव जी मतलब ब्राह्मण बहुत ही अच्छे हैं एंड यहाँ पे बहुत सहयोग करते हैं भक्तों का, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। दूसरी बार जो हमने पूजन किया है वो चंडी पाठ हम जो नॉर्मल करते हैं, बोलते ना यथाशक्ति यथाभक्ति, वही मतलब मंत्रहीनम तंत्रहीनम क्रियाहीनम, बस अपनी भक्ति भाव से जितना हम सेवा कर सके माता की हमने। कोमल अब कहती हैं कि जब भी समय मिलेगा मंदिर में दर्शन के लिए जरूर आऊंगी। उनकी यह गलती उन्हें एक नए पद पर ले आई है जहां उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता को खोज लिया है। कोमल के अनुसार मां के दर्शन के बाद उन्हें जो अलौकिक अनुभव हुआ है
उससे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अब वो हमेशा समय मिलने पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आती रहेंगी। साथ में यहाँ पे माता की देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारा दिन पूरी रात तक यहाँ पे भंडारा चलता है, कन्या पूजन होती है प्रतिदिन, तो उनकी सेवा में भी हमने सहयोग किया। यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है तो मैं तो सभी दर्शकों से बोलूंगी कि यहाँ पे अवश्य आए और माता के आशीर्वाद लेके अपने जीवन को परिवर्तित करें। कोमल की यह यात्रा दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी गलती भी हमें जीवन के अप्रत्याशित और सुंदर अनुभवों की ओर ले जाती है। मालवा से रजनीश सेठी की रिपोर्ट।